बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज मोमिन की मेराज है। मोमिन अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात को छोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात को नहीं छोड़ सकता। एक बंदा मोमिन को कितना बड़ा एजाज़ हासिल है कि वो दिन में 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करता है। कैसा ही बदबख्त शख्स है वो जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका तो अता कर रखा हो, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात से इनकारी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुकद्दस में 92 से ज़ायद मुकामात पर सीगाए अमर के साथ नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इस हुक्म को इस दर्जे में लिया था कि अगर कोई नमाज ना पढ़ता तो उसे मुनाफिक समझा जाता था। यही वजह है कि मुनाफिकीन भी बाकायदा नमाजें पढ़ा करते थे ताकि अपने नफाक को छुपा सकें। ज़ेर नज़र वीडियो में भी आप एक ऐसी ही जमात को देख रहे हैं। घूमने फिरने के लिए जाने वाले ये नौजवान हमें पैगाम दे रहे हैं कि नमाज किसी भी सूरत माफ़ नहीं है। नमाज कायम करो इससे कबल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए।